एलिट्स द्वारा आयोजित नेशनल लिवेबिलिटी समिट में मंच पर उपस्थित कमिश्नर मुकेश मेश्राम जी, जो इस समय उनको किसी कार्य में जाना था तो वो जा चुके हैं, एडीजी यूपी 112 असीम अरुण जी, एडीजी वुमेन पावर लाइन 1090 अंजू गुप्ता जी, एमडी यूपी एसआरडीसी डॉक्टर राजेश्वर जी, त्रिपुरा एसआईडीसी लिमिटेड के चेयरमैन टिंकू राय जी, नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी और स्मार्ट सिटी से संबंधित सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ जन और सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आज इस स्मार्ट सिटी की पहली बैठक जो इस विषय पर पहली बार रखी गई है, इसमें सभी विभाग के सभी लोगों ने अपने अपने कार्य क्षमता के बारे में, अपने अपने कार्य के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भारत सरकार अपने उसमें किस तरह से आगे बढ़ रही है और ये अंतर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि वे लखनऊ में पहली बार आए, लखनऊ में आए हैं मेरे लखनऊ महापौर होने के नाते से, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जितना भी मंच पर बैठे हुए सभी लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया, एक स्मार्ट सिटी के लिए एक जन सुविधा सारी जन सुविधाएँ देना स्मार्ट सिटी के लिए बहुत आवश्यक होता है और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जितनी हम अपनी उनको सुविधाएं दे सकेंगे उतना हम अपने कार्य में आगे अग्रसरित होंगे, ऐसा एक ऐसी एक सोच है। और उस सोच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्मार्ट सिटी को बनाने, भारत को एक नव निर्माण करने का एक कार्य शुरू किया है, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो कार्य किया है और उस पायदान पर हम पहली सीढ़ी पर हम कदम रख चुके हैं। और विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपने भारत को उस दिशा में ले जाना होगा जिस दिशा में हम पहले कभी थे। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था और सारी सुविधाओं से संपन्न था, लेकिन धीरे धीरे हम किन विसंगतियों के कारण हम उस दिशा से भटक गए और आज एक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस परिकल्पना में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जब हम स्मार्ट सिटी के बारे में बातचीत करते हैं, सुविधाओं के बारे में बातचीत करते हैं, तो जैसा कि अभी असिस्टेंट कमिश्नर बता रहे थे, पुलिस ने किस तरह से अपने आप को प्रूव किया है कि जब पहले बच्चे डर जाया करते थे पुलिस से, माँ कहती थी कि दूध पी लो नहीं तो पुलिस आ जाएगी, आज उस धारणा को ख़त्म करके पुलिस मित्र के रूप में आगे बढ़ी है। और इस तरह से सारे क्षेत्रों में हमने आगे हम बढ़े हैं, अग्रसरित हुए हैं। और लखनऊ को देखा जाए तो लखनऊ भी काफ़ी अग्रसरित हुआ है और इन दो वर्षों में जब से मैं महापौर बनी हूँ मैंने देखा है कि लखनऊ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और उसमें बढ़ने के लिए जितने लोग हमारे मंच पर बैठे हैं ये हर किसी न किसी विभाग को लेकर आगे बढ़ रहे चल रहे हैं और अपने अपने काम में निपुण हैं। और इतनी अच्छी टीम यहाँ पर उपस्थित है इस समय, और इतनी अच्छी टीम, और मुझे लगता है कि सारी टीम मिलकर अगर इसी तरह से काम करती रहेगी तो निश्चित रूप से वो हम स्मार्ट सिटी की जो कल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने की है उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। मेरा ये मानना है कि हम स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, सारी सुविधाएँ देने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जब तक हम स्वयं स्मार्ट नहीं होंगे, जैसा कि अभी कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हमें भी स्मार्ट बनना होगा, तो स्मार्ट बनने के लिए हमें जनता को जागरूक करना होगा। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि 70-72 साल से हम लोग देख रहे हैं कि गांधी जी ने स्वच्छता की बात की थी और उस स्वच्छता के परिणाम हम देखते हैं कि रात में डिवाइडर पेंट होता है और सुबह लोग उस पर चित्रकारी करते हुए चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें जनता को जागरूक करना होगा और जब तक हम जनता को अपना सहयोगी नहीं बनाएंगे, उनको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम आगे जो हमारी परिकल्पना है उस परिकल्पना में परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए विशेष रूप से
जागरूकता अभियान चल रहे हैं और विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और अपनी तरफ से जैसा कि महिलाओं की किसी भी सिटी को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा क्या सभी देश के सभी वासियों की जो है सुरक्षा की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो 1090 उसका उदाहरण है। 1090 पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है और एक पुलिस के द्वारा एक नंबर जो 112 जो दिया गया वो पूरे देश के लिए कारगर हो ये एक नई परिकल्पना की गई पुलिस के द्वारा वो भी बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन हमें अपने अपने कार्यों के लिए हम कभी कभी अपने आप का भी आंकलन करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका आंकलन हमें दूसरे लोग उसके बारे में जानकारी देते हैं लेकिन हम अपना आंकलन किस तरह से करें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा ठीक है या नहीं है तो हमें कभी कभी अपने कार्यों का भी आंकलन करना चाहिए। एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगी जिसके अपने कार्य का मूल्यांकन करने की बात अगर आती है तो एक छोटा सा माली था वो किसी घर में काम किया करता था वर्षों से वहाँ काम कर रहा था और एक दिन वो एक फ़ोन पर किसी दुकान पर आया और उसने पैसे दिए कि मुझे अपने फ़ोन पे बात करनी है और वो फ़ोन पे बात कर रहा था अपने जहाँ वो काम करता था वहाँ पर वो बात कर रहा था। उसने कहा कि मैम साहब मुझे नौकरी पर रख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ माली है तो इसने माली ने कहा कि मैं कम पैसे में काम कर दूँगा तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया हमारे यहाँ माली है वो काम कर रहा है तो उसने कहा कि मैं जितने में आपका वो माली काम कर रहा है उससे कहीं अच्छा और उससे कम पैसे में काम करूंगा क्योंकि मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। फिर भी उस उधर से आवाज़ आई कि नहीं मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मेरा माली बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब उसने फ़ोन रखा तो दुकानदार जो बगल में बैठा हुआ था उसने उससे कहा कि तुमको काम की आवश्यकता है तो तुम हमारे यहाँ काम कर लो इतने कम पैसे में तुम बता रहे हो काम करने के लिए तो तुम मेरे यहाँ काम कर लो। उन्होंने कहा मुझे काम की ज़रूरत नहीं है तो फिर तुम क्यों ये बात कर रहे थे। उसने बताया कि मैं अपने कार्य का मूल्यांकन कर रहा था कि मेरा काम सही है या नहीं है। तो इस कभी कभी हमें अपने कार्यों का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि हम अपने कार्य को कैसे कर रहे हैं और हम और उसका मूल्यांकन विशेष रूप से जनता करती है लेकिन हमें स्वयं भी अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। और मुझे मैं तो ये कहूँगी कि खासकर लखनऊ बहुत आगे बढ़ा है। लखनऊ जब बाहर से लोग आते हैं और देखते हैं कि जब दीपावली पर जिस तरह से लाइटें लगाई जाती थीं और जब बाहर से लोग आते हैं तो कई बार हमसे पूछते हैं कि आपके यहाँ कुछ है क्या यहाँ पर तो मैंने उनसे बताया कि ये दीपावली पर नहीं हमेशा ही लाइटें हमारे ऐसे जलती हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम दीपावली में आए हैं और वो इसको देख कर जाते हैं अपने शहर में और कहते हैं कि हम भी अपने शहर में ऐसी ही लाइट लगाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत अंतर आया है जब हम एयरपोर्ट से जब हम गोमती नगर से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी लाइटें हैं उस समय जगमगाती लाइटें देख कर लगता है कि हम किसी दूसरे अपने लखनऊ शहर में नहीं किसी दूसरे शहर में आ गए हैं। तो ऐसा ही धीरे धीरे करके पूरे शहर में हम लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये पूरी टीम जो मंच पर बैठी है ये पूरी टीम बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य कर रही है और बहुत अच्छी टीम इस समय यहाँ पर है चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो या पुलिस के यातायात के संबंध में हो। यातायात के संबंध में अभी बताऊँ कि जब से एक हफ्ता पहले मेरी पोती स्कूल से आ रही थी तो उसने आते ही मुझसे कहा कि दादी मैं 45 मिनट में अपने घर पहुंचती थी और आज मैं 25 मिनट में आ गई तो शहर में कुछ परिवर्तन आया है। तो मैंने उसी समय कमिश्नर को ट्वीट किया उनके उस कार्य के लिए कि उनके कार्य का मूल्यांकन था। तो इस तरह से हमें अपने कार्यों का मूल्यांकन हमारे कार्यों का मूल्यांकन जनता करती है और उस पर अगर हम खड़े उतरें और जनता हमें कहे कि कार्य अच्छा हो रहा है तो निश्चित रूप से कार्य अच्छा हो रहा है। और मैं एक बार पुनः सबको बधाई दूंगी यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं स्मार्ट सिटी से जुड़े हैं और सारे
सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो एक परिकल्पना है उस परिकल्पना में हम सब लोग भी लगे हैं। और मैंने भी एक संकल्प लिया था कि लखनऊ को नंबर एक पर, अगर मैं महापौर बनूंगी तो लखनऊ को नंबर एक पर लाऊंगी। और उस संकल्प के नाते से मैं निरंतर इसमें प्रयास करती रहती हूँ और मेरे प्रयास में आप सबका मुझे सहयोग मिल रहा है। इतनी अच्छी टीम मिली है, बहुत अच्छा काम चल रहा है और लखनऊ दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से स्मार्ट सिटी के इस काम में प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं और हम इस कार्य में आगे बढ़ें और लखनऊ को जल्दी, बहुत जल्दी, मुझे समय थोड़ा ज़्यादा लगा है लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने में, लेकिन इस समय बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लखनऊ को नंबर एक पर ले आएंगे और स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, उसमें पूरी तरह से सफल होंगे। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी आगे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।